आज की जो समस्याएं हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।